हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 10 IEA के बारे में, यानी कि ये जो फॉर्म है 10 IEA, ये कौन से टैक्स पेयर को सबमिट करना जरूरी है, क्या सभी टैक्स पेयर इस फॉर्म को सबमिट करेंगे और इस फॉर्म को सबमिट करने से टैक्स पेयर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसकी ड्यू डेट क्या है, यानी कि इस फॉर्म को टैक्स पेयर कब तक ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन सबमिट करने का प्रोसेस क्या है, तो इन सभी सवालों के जवाब आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 10 IEA के बारे में, यानी कि इस फॉर्म को कौन से टैक्स पेयर को सबमिट करना जरूरी है। सबसे पहले अपने इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो अगर अपने बात करते हैं भी कौन से टैक्स पेयर को कंपलसरी है ये फॉर्म सबमिट करना, तो यानी कि ऐसा टैक्स पेयर जिसकी जो ITR है फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की, जो ITR वो न्यू टैक्स रिजाइन की बजाय ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर अपनी ITR को फाइल करना चाहता है, तो उसको ये 10 IEA फॉर्म सबमिट करना जरूरी है। पहली कंडीशन से ये रहेगी। सेकंड कंडीशन की अगर अपने बात करते हैं तो उस टैक्स पेयर की जो इनकम है वो पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन या किसी बिजनेस से आ रही हो तो ये उस फॉर्म को 10 IEA फॉर्म है जो सबमिट करना जरूरी है। अब बात अपने आते भी कौन से टैक्स पेयर को सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे टैक्स पेयर जिनकी ITR 1 या 2 में जा रही हो, यानी कि ऐसे टैक्स पेयर जिनकी इनकम है वो प्रोफेशन या किसी बिजनेस से नहीं आ रही है, पर्टिकुलर किसी एक सैलरी पर्सन वगैरह किसी एक सिंगल स्रोत से उसकी बिजनेस आ रही है, जो ITR 1 या ITR 2 फाइल करते हैं उनकी बिजनेस की इनकम नहीं है, तो उन लोगों के लिए इस फॉर्म को सबमिट करना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है भी अगर वो सबमिट नहीं करेंगे तो वो ओल्ड स्कीम के अंदर नहीं जा पाएंगे। जब ये लोग ITR अपनी फाइल करेंगे तो वो ITR फाइल करते वक्त भी इनके पास ऑप्शन रहेगा, वो ओल्ड में जा रहे हैं या फिर न्यू स्कीम में जाना चाहते हैं, तो ये ITR फाइल करते वक्त भी इस स्कीम्स को वो चूज कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए इस फॉर्म को सबमिट करना जरूरी नहीं है जिनकी ITR 1 और 2 में जा रही हो। अगर ऐसे टैक्स पेयर जिनकी इनकम किसी प्रोफेशन या किसी बिजनेस इनकम से आ रही है, यानी कि वो अपनी ITR 3 या ITR 4 सबमिट करेंगे, तो उन बिजनेसमैन लोगों को ये 10 IEA फॉर्म सबमिट करना कंपलसरी है अगर वो अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर फाइल करना चाहते हैं। तो अब ओल्ड रिजीम के अंदर फाइल करना क्यों चाहता है, कौन सा बिजनेसमैन है जो ओल्ड रिजीम के अंदर फाइल करना चाहेगा, ऐसा टैक्स पेयर जिनकी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कोई इंश्योरेंस है ATC की वो डिडक्शन लेना चाहते हैं, HRA की डिडक्शन लेना चाहते हैं, कोई हाउसिंग लोन है उसका उसको बेनिफिट लेना चाहते हैं, कोई मेडिक्लेम कोई इंश्योरेंस है उसका वो बेनिफिट लेना चाहते हैं, इनकी बहुत सारे ऐसे डिडक्शन है जो इनकम टैक्स की छूट लेने के लिए पर्पज से जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है। तो ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उनको लगता है भी इन इन्वेस्टमेंट से मेरे टैक्स की सेविंग हो रही है, तो वो लोगों को इस फॉर्म को सबमिट करना जरूरी है, तभी वो लोग ओल्ड टैक्स रिजाइन के अंदर समर इसके अपने ITR जो फाइल कर सकते हैं। अब बात आएगी भी इस फॉर्म को सबमिट कब तक करना है, यानी कि ड्यू डेट ITR की है जो इनकम टैक्स की जो फाइल रिटर्न करने की जो ड्यू डेट है उससे पहले इसको फॉर्म्स को सबमिट करना जरूरी है उन टैक्स पेयर लोगों को जो अपनी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अपना ITR फाइल करना चाहते हैं और जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन सबका अगर वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। अगर उन्होंने फाइल इस फॉर्म को सबमिट नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो ऑप्ट हो जाएंगे और उसके बाद में उनको जो नए टैक्स के हिसाब से जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी उस हिसाब से उनको जो टैक्स है पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप अपनी ITR फॉर्म करो तो ITR को फाइल करने से पहले एक बार आप ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स एग्जाम के अनुसार अपने एक बार कॉम्पिटिशन आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको बेनिफिट लग रहा है ओल्ड में तो आप ITR फाइल करने से पहले एक बार इसको फॉर्म को जरूर सबमिट कर दीजिएगा। अब अपने बात करते हैं भी इसको ऑनलाइन सबमिट है जो किया कैसे जाएगा, तो इसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने, सिंपल से फॉर्म है। सबसे पहले आपको अपनी इनकम टैक्स की जो फाइल मतलब वेबसाइट है उसके ऊपर आपको आना है और वहां पर हम बेसिकली जैसे लॉगिन करते हैं आपको उस तरीके से लॉगिन करना होगा, जहां आपका पैन नंबर वगैरह सब कुछ कंटिन्यू करने के बाद में लॉगिन करने के बाद में आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा ई फाइल का, और ई फाइल करने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म, और इनकम टैक्स फॉर्म के बाद आगे ऑप्शन आ जाएगा फाइल इनकम टैक्स फॉर्म का। जैसे इसके ऊपर अपने क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पहला ही ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर फॉर्म 10 IEA का, तो इसको आपको फाइल नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे अपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स कुछ
दिखेगी जहां पर आपका यह पेन नंबर शो होगा, और यहाँ पर सबमिशन मोड यानी कि अब ऑनलाइन फॉलो करें तो यहाँ पे ऑनलाइन आ जाएगा, और यहाँ पर जो फाइलिंग टाइप है वो ओरिजिनल रहेगी, और असेसमेंट ईयर वो बाय डिफॉल्ट 24-25 रहेगा, और उसके बाद आपको ये कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और जैसे अपने कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको लेट्स इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा, लेट्स गो स्टार्टेड पे। और उसके बाद में जैसे अपने इस पर क्लिक करने के बाद में आएंगे तो यहाँ आपसे कुछ डिटेल पूछा जाएगा, और यहाँ पूछा जाएगा भी अगर आपकी इनकम है जो आपका जो प्रॉफिट है को गेन है वो किसी बिजनेस या किसी प्रोफेशन से आ रहा है तो आपको यस करना होगा, क्योंकि वो लोग ही कर सकते हैं जिनकी इनकम किसी प्रोफेशन या किसी बिजनेस से आ रही है। तो अगर आपने नो कर दिया तो ये बाकी के ऑप्शन है ये मतलब आपको शो नहीं होंगे, तो इसलिए आपको इसको यस करना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर पूछी जाएगी भी ड्यू डेट है जो आपकी ITR की वो कब की है, 31 जुलाई है या फिर आपकी 31 अक्टूबर है, अगर आपके टैक्स ऑडिट है तो आप 31 अक्टूबर है, अगर आपकी विदाउट टैक्स पेयर हो नॉर्मल टैक्स पेयर है तो आपको 31 जुलाई है। तो आपको इनमें से सिलेक्ट करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपसे ये कंफर्मेशन मांगी जाएगी। कंफर्मेशन इसलिए मांगी जा रही है भी आपने ये जो स्कीम जो सेलेक्ट करी है, आप ये जो फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो उसके बाद में आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि आप ऐसा नहीं है भी अभी आपने यहाँ पे ओल्ड स्कीम में जाने के लिए आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो, लेकिन बाद में अगर आप इसको चाहो भी मैं इसको न्यू में फाइल कर दूं तो आप उस कंडीशन के अंदर न्यू में फाइल नहीं कर सकते, फिर आपको ओल्ड के अंदर ही फाइल करना पड़ेगा। इस कंफर्मेशन को करने के लिए आपको यस पे क्लिक करना होगा, जैसे अपने यस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पर आपका SSC का नाम, यहाँ पर आपका ये पेन नंबर वगैरह शो होगा, और यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा भी इसका ऑप्ट आउट और ये री एंट्रिंग। अब ऑप्ट आउट का मतलब आप इस नई स्कीम से बाहर निकल रहे हो, और री एंट्री का मतलब आप इस स्कीम के अंदर आ रहे हो। तो अगर आप मान लीजिए इस फॉर्म को इस साल के लिए आपने ऑप्ट आउट कर दिया तो आप नेक्स्ट ईयर जब तक आप ओल्ड स्कीम के अंदर रहना चाहते हो तो आपको हर साल इस फॉर्म को 10IA फॉर्म को सबमिट करने की जरूरत नहीं है, और जैसे ही आप न्यू में जाना चाहोगे तब आपको इस फॉर्म को सबमिट करने की जरूरत है, तब आप इसके अंदर री एंट्रिंग करने पे आप इस स्कीम से न्यू ओल्ड से बाहर हो जाओगे और न्यू स्कीम के अंदर आप स्विच हो जाओगे। उसके बाद में कुछ एडिशनल डिटेल रहेगी आपकी, जहाँ पर आपका यूनिट्स का नेम, यूनिट्स का एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा, और ये सब कुछ सबमिट करने के बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आपका लास्ट के अंदर ये कन्फर्मेशन हो जाएगा, और ये यहाँ पर आपका सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा, और यहाँ आपको एक एनक्लोजमेंट नंबर मिलेगा, और ये जो एनक्लोजमेंट नंबर है ये आपको अपनी ITR फाइल करते वक्त वहां पर भी देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है आपको ऑनलाइन फॉर्म 10IEA सबमिट करने का। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी।